नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंडिया 24x7 लाइव टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। ये रुख करते हैं बिहार के गया जिले से। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने 15 सूत्री मांगों को लेकर जुलूस निकाला है। बता दें कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिहार में ये जुलूस निकाला है। बता दें ये जुलूस महिला आरक्षण कानून को 2024 के चुनाव में लागू करने, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण को लेकर ये जुलूस संगठन के कार्यकर्ताओं ने निकाला है। बता दें कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने आजाद पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और साथ ही प्रदर्शन किया। ये पैदल मार्च शहर के आजाद पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी दिया और मुख्यमंत्री के नाम पर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में जो मांगे हैं वो आपको बता दें, महिला आरक्षण कानून को लागू किया जाए, महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, फुलवारी शरीफ की दो नाबालिग बच्चियों के बलात्कारियों को भी गिरफ्तार करने की मांग संगठन के कार्यकर्ताओं ने की है। इसके साथ ही रसोई गैस की कीमत 500 रुपए फिक्स करने को लेकर भी ये मांग की गई है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम पर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए बिहार से हमारे संवाददाता सुरेश निखर की ये खास रिपोर्ट। आज भी महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य आंदोलन किया जा रहा है, महिलाओं का आंदोलन किया जा रहा है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से प्रमुख जो मुद्दा है महिला शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, पूरे देश में आज भी महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बीएचयू में जिस तरह से कुणाल पांडे के द्वारा बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हम यह मांग कर रहे हैं पूरे देश में कि जिस तरह से महिला पहलवान बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वाले सांसद, भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हम यह मांग करने आए हैं वृद्धा, विधवा और विकलांग महिलाओं के लिए 3000 पेंशन दिया जाए। हम यह मांग करने आए हैं कि आज भी जिस तरह से दलित महादलित परिवारों की बात कही जाती है, या केंद्र सरकार के द्वारा या बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि आज भी महिलाओं को उन महादलित टोलों पर सरघाटी में गरीबों को उजाड़ दिया गया है, घरों को तोड़ दिया गया है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करने आए हैं कि इसकी उचित जांच की जाए और उन्हें बसाने का प्रयास किया जाए। रीता बरनवाल, एपुआ की जिला सचिव। तो हम लोग नदी के ओर बनाए थे, तो हम लोग का वहाँ पर ही तोड़ फोड़ दिया है घर द्वारा गरीब लोग के। अभी ठंडी के मौसम में ऐसे झोपड़ी 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 लगा कर भी हैं, और जो भी उसमें सर सामान था उसको चप दिया है, और अभी और किसे उसको तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो उस समय हम लोग घर बना रहे हैं, तो आ रहे थे जा रहे थे पुलिस लोग, लेकिन नहीं उस समय कोई मना कर पाया, और अब बोल रहे हैं हटा देंगे, नहीं रहने देंगे। तो हम लोग का अभी पर भी दिन जमीन बोले थे कि हमको दे दिया जाए, उसके बाद हम लोग बना के घर बना के दे दें। क्या नाम है? मेरा उर्मिला। अभी डीएम के यहाँ से आज मांग करने आई हैं। डीएम से आज मांग करने आए हैं। हम लोग पर जमीन पर भी दिन जमीन घर उठा के दे दिया जाए, हम लोग वहाँ पर जाकर खाली कर। क्या नाम हुआ? हम लोग का किसी से लड़ाई है ना, किसी से झगड़ा है ना, किसी से बुराई है। क्या नाम है? मेरा उर्मिला देवी नाम। ठीक है।